द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम एट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन वैक्यूम। क्या करना है, एक 5 माइक्रो कूलम का यहां पे चार्ज, 5 माइक्रो कूलम, इससे 80 सेंटीमीटर एक पॉइंट है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी, यही क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद करें इस फॉर्मूले से। आई थिंक सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। तो यू नो द एसआई यूनिट, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, बट यू आर गिवन माइक्रो कूलम। तो फर्स्टली क्यू इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम चेंज इनटू कूलम, दिस 5 इनटू 10 टू द पावर -6 कूलम। आर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, इट इज सीजीएस यूनिट, वी चेंज इट इनटू एमकेएस यूनिट्स। तो 80 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, चेंज कर दो आप तो 80 इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो क्या पढ़े हो गए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। वी नो दैट ई इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q/r² 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, q की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। आर मीन्स 80 × 10⁻²² दिया जाएगा 9 × 10⁹ × 5 × 10⁻⁶ अपॉन 8 × देखो 80 है, एक पॉइंट आप इसमें से बैलेंस कर लोगे तो हो जाएगा 8 × 10⁻²। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करो 9 × 45 × 10⁻³ 9 − 6 3 / 8 = 64 × 10⁻²− 2 को आप न्यूमरेटर में ले जाओ 45 / 64 × 10⁵ 5 45 × 10�³ 3 ऊपर गया -2 बिकम +3 + 2 5 तो 45/64 यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका थोड़ा ब्रेन भी ओपन होगा, अच्छा भी लगेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या, इसको आप नोट डाउन कर लो। और एनसीईआरटी में 1.8 जो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका एक क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन है 1.8 एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 1.8 आप सॉल्व करेंगे। यहां पे हम अगला आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं जिस क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन क्या है लिखते हैं, नोट डाउन द क्वेश्चन। टू पॉइंट चार्जेस q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम, एंड q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ये 3 मीटर पे दो चार्जेस हमारे हैं, वन इज 16 माइक्रो कूलम, सेकेंड इज 4 माइक्रो आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड द पोजीशन बिटवीन देम वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब कह रहा है एक 16 माइक्रो कूलम का है, 4 माइक्रो कूलम का है, करना क्या है, इनके बीच में दोनों कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर पे है, इनके बीच में आपको क्या करना है,
एक पॉइंट ऐसा लेना है, एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ये हमको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। कैसे सॉल्व करें भाई? तो 16 माइक्रो कूलम, दिस इज 4 माइक्रो कूलम। ये पॉइंट क्या है, 3 मीटर। इसके बीच में हमको क्या लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देना है। कौन सा पॉइंट होगा, सपोज इसका थोड़ा सा फील लो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो कि ये क्यू 16 माइक्रो कूलम है, 4 माइक्रो कूलम का है। अगर मैं यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज ला के रख दू तो क्या होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर, दोनों उस चार्ज पे। ध्यान समझिएगा, 16 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, बीच में क्या है, एक चार्ज रखा। 16 रिपेल कर रहा होगा, 4 रिपेल कर रहा होगा। जैसे दो लोग हो जाए, एक के पास 60 न्यूटन का फोर्स हो, एक के पास 4 न्यूटन का फोर्स हो, बीच में किसी बच्चे को रख दे। जब दोनों लोग फोर्स लगाएंगे तो एक पोजीशन होगा कि जहां पे, क्योंकि डिस्टेंस के साथ फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फोर्स ही समझिए, पर यूनिट चार्ज फोर्स। तो जब दोनों फोर्स लगेगा, एक डायरेक्शन से दूसरा, दूसरे डायरेक्शन से दूसरा, तो एक ऐसा पोजीशन मिलेगा जहां पे दोनों की फोर्स क्या कर जाएगी, बैलेंस कर जाएगी। अब इस पोजीशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब थोड़ा सा समझते हैं इस पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू 9×10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या देखने से लग रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, डिस्टेंस के। अब ये सोचना है कि जब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कि यहां पे कहीं वो पॉइंट हमको मिलेगा, तो पॉइंट क्या होगा, 4 के साइड में होना चाहिए। जाते हमको तो ये लग रहा है, जैसे आप देखोगे कि जब हम लोग एक बीच, एक आप देखते हो कि एक रॉड ले ले, एक स्टिक ले ले, उस पर फोर्स लगाना, बीच में हम वेट बीच में रखते हैं तो दोनों पर डिवाइड होता है। अगर हम लोग साइड में रख दें तो एक तरफ फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सेम यहां भी होगा। तो हमने माना सपोज कि 16 माइक्रो कूलम से एक्स डिस्टेंस पे वो हमारा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। मान लिया जाए कि एक्स डिस्टेंस पे वो हमारा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो 4 माइक्रो कूलम से कितना होगा, 3 मीटर टोटल है, तो 3 माइनस एक्स इधर से हो जाएगा। अब आप क्या करो कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, दोनों सेम चार्ज है, इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वह क्या होगी, दोनों को आप क्या कर दो, सेम कर दो, दोनों क्या कर दो, सेम कर दो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में और E2 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया इस डायरेक्शन में। या तो E1 माइनस E2 इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, जीरो, क्या कर देंगे, E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो कर दें, या E1 इक्वल टू क्या कर देते हैं, E2 कर देते हैं। तो E1 इज इक्वल टू हमने कर दिया E2। अब समझना, E1 Q1 है तो ये हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q1 16 माइक्रो कूलम है, कूलम में चेंज कर दो, -10⁻⁶। R कितना, x डिस्टेंस पे मैंने माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो यहां हो जाएगा ये x² इज इक्वल टू E2 वैल्यू। आप देखो ये भी होगा 1.4πε0। ये चार्ज कितना है, 4×10⁻⁶, 4 माइक्रो कूलम का है, तो अपान आर स्क्वायर क्या होगा, 3 − x² होल स्क्वायर। अब क्या करना, 1/4πε0, 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। एक बार और आपको मैं बता देता हूं कि दो चार्जेस थे, बीच में हमको मानना था कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आप देख रहे हो कि फर्स्ट चार्ज भी रिपेल कर रहा होगा, सेकंड चार्ज, बीच में अगर कोई मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो E1 जो हमारा 16 माइक्रो कूलम का वो भी रिपेल करेगा, 4 माइक्रो कूलम का वो भी रिपेल करेगा। कोई एक ऐसा पॉइंट में मिलेगा जहां पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने यहां से एक्स पे मान लिया, इधर से 3 − x पे हो गया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, आप इसको अच्छे समझो, इसके बाद से एक मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, उसको करना भी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। और वीडियो के साथ आप एनसीईआरटी भी देखिए, एनसीईआरटी के एक मैंने होमवर्क दिया है आपको, 1.8 जो क्वेश्चन हमारा है वो आपका होमवर्क है, उसको भी देखिए। लॉकडाउन फॉलो करिए, आप पढ़िए अच्छे से। अब क्या है ये,
तो अब यहां से 16 अब 4 4 टाइम्स में भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 टू पावर माइनस 6 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड का रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायर रूट ले लो, 4 का स्क्वायर 2, एक्स का एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव रूट लिया, क्योंकि आप रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, तो आपने हमने क्या लिया पॉजिटिव लिया, दोनों साइड का पॉजिटिव लिया, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 6 माइनस 2x इज इक्वल टू x, मल्टीप्लाई कर लो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब ये कि 16 माइक्रोकुलाम से 2 मीटर पे होगा। फिर एक बार बता देता हूं, ये 16 था, ये क्या था 4 माइक्रोकुलम, ये टोटल कितना था 3, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब इस पॉइंट पे यहां से 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 0 हो गई। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने सीखा भी समझा भी। एक और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, नोट डाउन करना, होमवर्क क्या है, फर्स्ट होमवर्क आपका है, इसको नोट डाउन कर लो, नोट कर लियोगे, फर्स्ट होमवर्क है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.8 सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और दे रहा हूं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और दे रहा हूं। यहां पर मैंने बोल दिया ये आपका 8 माइक्रोकुलम और ये आपका हो जाएगा 8 माइक्रोकुलम। इसमें बताना है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉसिबल है कि नहीं, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन विल बी 0 क्वेश्चन पहला। सेकेंड क्वेश्चन कि वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक 8 माइक्रोकुलम एक -8 माइक्रोकुलम, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी या नहीं, पहला क्वेश्चन, होती है तो एस, नहीं होती है तो नो, यही ना लिखते हैं, हो गया तो एस, नहीं हुआ तो नो, एस नो का आंसर होता है, आप लोग जान ही रहे एस मतलब। हाँ दूसरा कि अगर ये बीच में पॉसिबल नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं तो पॉसिबल होगा, ये दो लोग हैं तो 0 होंगे ही होंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनका बैलेंस 0 हो ही जाता है, तो इस लाइन पे किधर ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, घर में रहिए और लॉकडाउन फॉलो करिए, दूसरे को भी लॉकडाउन के बारे में बताइए, इसके बेनिफिट को बताइए और टाइम का यूटिलाइज करो, स्टूडेंट्स प्लीज यूटिलाइज द टाइम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।